हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का थर्ड पार्ट, जो कि होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें बाकी के जो सब टॉपिक्स हैं, द प्रॉब्लम, हैदराबाद, मणिपुर, वो सब हम लोग पढ़ेंगे और गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इसके पहले के मतलब टॉपिक्स के बारे में देखना है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। पार्ट वन और पार्ट टू के नाम से आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जिसका कि मतलब है रजवाड़ों का विलय। अब देखिए, पार्टीशन तो हो गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद। वो क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स को कैसे यूनाइट करके इंडिया में मिलाना, क्योंकि टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया और पाकिस्तान, मतलब जो पहले का ब्रिटिश इंडिया था उसमें टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था उन सबको मिलाना। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, लेट मी शो यू मैप। देखिए ये रहा मैप, और इसमें जो आप ब्लू वाले देख रहे हैं ना, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं, और ये जो येलो वाले आप देख रहे हैं ये सब ब्रिटिश इंडिया के हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं बता देती हूँ। जो ब्रिटिश इंडिया वाला जो येलो वाला एरिया है, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था इंटरनल अफेयर्स में भी और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी। और ये जो नीला वाला दिख रहा है, यहाँ पे जो यहाँ जो इस स्टेट्स के राजा रहते थे उनका कंट्रोल पूरे इंटरनल अफेयर्स पे रहता था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के अधीन रहते थे, मतलब कि अंडर में रहते थे, उनसे मिले हुए रहते थे। एक्सटर्नल्स ब्रिटिशर्स देखते थे और इंटरनल्स यहाँ के राजा महाराजा देखते थे। और ये जो बिहार बंगाल का एरिया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया प्रिंसली स्टेट्स ने कवर कर रखा था। अगर ये सब एरिया इंडिया से अलग हो जाता तो इंडिया बन ही नहीं पाता, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको ब्रिटिशर्स ने कहा क्या कहा कि हम लोग जा रहे हैं, अब आप लोग अपना देखिए, अगर आपकी मर्ज़ी है तो पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिल जाइए, नहीं तो आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लीजिए। वो ये कह के चले गए। तो कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको लगा कि हाँ, हमें इंडिपेंडेंट नेशन बन जाना चाहिए, ना ही हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही मतलब चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था इन सबको अपने में मिलाना। क्योंकि अगर ये देखिए छोटे 565 प्रिंसली स्टेट्स अगर अलग अलग नेशन बन जाएँ तो इंडिया बचेगा कहाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हुआ और उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट फेयर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया जो था, मतलब कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तब ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे, जो कि मैंने आपको इस मैप में दिखाया। द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे उन पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। ऑन द अदर हैंड, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाई प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स इंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। और जो दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के जो घरेलू मामले होते थे उससे उस पर अपना शासन चलाते थे। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंट सी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल्स। तो अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे, और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाई द ब्रिटिश दैट विथ द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया
पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप्स। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, जिनकी संख्या करीब करीब 565 थी, वो ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. तो यहाँ पे उन्होंने अपना मतलब फिर एक चैलेंज दे दिया हम लोग के सामने। तो उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो या तो भारत में मिल जाएं, शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और नहीं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, क्योंकि वहाँ की जो रजवाड़े की प्रजा थी वो तो चाहती ही थी भारत में मिलना, लेकिन वहाँ के राजा नहीं चाहते थे और राजा की ही चलती थी वैसे जगह पे। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। समस्या ने जल्दी ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। और सेकंड है द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट डे। और अगले ही दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वेयर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट मेड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। और रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला था। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था। दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अखित्यकार करना था। इन द मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वेयर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर्स वेयर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन। और इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बहुत विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट्स का क्या अप्रोच रहा और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या इसमें रोल था। और पहले ये नहीं था एडेड इस बुक में, अब ऐड कर दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। गवर्नमेंट्स अप्रोच। द इंटरिम गवर्नमेंट टूक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीज़न ऑफ इंडिया इंटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेज। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देश में बट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट्स शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। और मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। उस लीग का मानना यह था कि रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, उनके पास ही अधिकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंडियाज डिप्टी मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे दैट टाइम जब ये सब हो रहा था। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। इट मे लुक इजी नाउ, आज यह आसान जान पड़ सकता है, बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड
स्किलफुल परसुएशन, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे और रजवाड़े थे, और जो सौराष्ट्र गुजरात था वहाँ पे 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। तो सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक के पास गए, मतलब पूरे 565 के पास गए, और उन्होंने कुछ उनको पावर्स दी, नेगोशिएट किया और उनको इंडिया में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। तो उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई थ्री कंसिडरेशंस। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से तीन बातें समझ आती हैं। फर्स्टली, द पीपल ऑफ द ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वॉन्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। और दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार था, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सीबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। और भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। और तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। Before 15 August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थीं, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. और अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। और जो मतलब इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिवॉल्व्ड आफ्टर ए प्लेबिसिट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8। हियर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। इस अध्याय में हम अभी हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे, और कश्मीर के विलय के बारे में हमें चैप्टर 8 में पढ़ना है, तो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। अभी हम लोग हैदराबाद पे चलते हैं। सो यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यहाँ पे, और ये हैदराबाद के निज़ाम हैं, उनके साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। ये उसी टाइम का फ़ोटो है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड इंटायरली बाई इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद जो था वो रजवाड़ों में सबसे बड़ा था। उसकी रियासत बहुत बड़ी थी और यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टूडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। और पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। द निज़ाम वांटेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। ही इंटर्ड इन टू वॉट वॉज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विथ इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर वाइल नेगोसिएशंस विथ द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता एक साल के लिए था और इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही।
इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम्स रूल गैदर्ड फोर्स. द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पार्टिकुलर वॉज द विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम. इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा. तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे. वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए. वुमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइंट द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स. और जो महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी. हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट. और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया. द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट. कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे. द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाई अनलेसिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज राजाकर्स ऑन द पीपल. द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकर्स न्यू नो बाउंड. और आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्ध सैनिक बल रवाना किया. इसे राजाकर कहा जाता था. राजाकर अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे. दे मर्डर्ड मेम्ड रेप एंड लूटेड टारगेटिंग पार्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स. और राजाकरों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया. राजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की तथा बलात्कार पर भी उतारू हो गए. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन. इन सेप्टेम्बर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेज. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमीडिएट फाइटिंग द निज़ाम्स सरेंडर. दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची. कुछ रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया. निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में मिल गया. अब हम पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में. अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड. आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव में फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ. मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे चुनाव हुए. ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वेयर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया. While the state congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected legislative assembly of Manipur. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. Manipur ki Vidhan Sabha mein Bharat mein vilay ke sawal pe gehre matbhed the. मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं. मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें. भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली और मणिपुर ने इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए. इसका असर आज तक देखा जा सकता है. और यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. अगला टॉपिक है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. इसको हम लोग अगले पार्ट में कवर कर लेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. तो टोटल इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं. आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा बाकी के पार्ट्स. उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे. और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.